नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को हेलो किसान की पूरी टीम की ओर से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जैसे जानते हैं हेलो किसान में आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम आते हैं, तो सबसे पहले हमारे जो आज के विषय हैं वो आपके साथ हम साझा कर लेते हैं। आज आपको हम जानकारी देंगे खाद्य प्रसंस्करण व प्रशिक्षण और बागवानी योजनाओं के बारे में। हमारे जो विषय आज रहेगा खाद्य प्रसंस्करण व प्रशिक्षण और बागवानी योजनाएं। इस विषय से संबंधित सवाल आप जान सकेंगे और सवाल आप कैसे पूछ सकते हैं, जो आपके सवाल हम तक कैसे पहुंचेंगे, टोल फ्री हमारा नंबर है। ये नंबर आप सभी को याद हो चुका होगा, याद नहीं है तो एक बार फिर से इसे नोट कर लीजिए। नंबर है 1800113060। इसके साथ ही दूसरा नंबर है 1800113061। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपको जो जानकारी देंगे, आपके सवालों के जो आपको आज जवाब देने वाले हैं हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं आज स्टूडियो में, उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वाई आर मीणा जी, जो कि अपर आयुक्त हैं विस्तार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ऋतु सिंह, जो कि खाद्य प्रसंस्करण विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र उचवा नई दिल्ली में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और जैसा कि हमने बताया, जब बात कर की जाती है खाद्य प्रसंस्करण की या उसके साथ जो जुड़ा है वो है प्रशिक्षण। अगर प्रशिक्षण है तो आप बेहतर ढंग से खाद्य प्रसंस्करण कर सकते हैं, और ख़ासतौर से अगर हम बागवानी की बात करते हैं तो वहाँ भी खाद्य प्रसंस्करण की कई सारी ना सिर्फ संभावनाएँ हमें नज़र आती हैं, बल्कि इस क्षेत्र में अगर देखें तो बेहतर विकल्प हमारे किसानों के पास मौजूद हैं। सबसे पहले अगर योजनाओं की बात की जाती है, डॉक्टर मीणा आपसे हम जानना चाहेंगे बागवानी योजनाओं को अगर हम देखते हैं किस तरीके से अब यहाँ पर ना सिर्फ विकास हो रहा है, बल्कि हम देखते हैं कि देश के हर एक हिस्से में हम देख सकते हैं जो बागवानी योजनाएं हैं वो पहुंच रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि हमारी जो केंद्र सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, इसका पूरा जोर है बागवानी के ऊपर। और वो जोर किस लिए है कि किसान भाई कम से कम क्षेत्रफल से ज़्यादा अगर आमदनी कर सकते हैं तो वो बागवानी फसलों के माध्यम से जी। और बागवानी के क्षेत्र में विगत वर्षों में हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं उन्होंने कई सारी टेक्नोलॉजी निकाली हैं, कई तरह की प्रजातियां जो फल सब्जी फूल या दवा और सुगंधी वाले पौधे हैं इन सभी में। तो कहने का मतलब यह है कि बागवानी के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य भी काफ़ी हुए हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई हैं आजकल जो विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे किसान भाई जी कम से कम क्षेत्रफल से अच्छी गुणवत्ता के ज़्यादा फल सब्जी फूल ये पैदा कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो इसलिए सरकार प्रोत्साहन दे रही है बागवानी को जी। और बागवानी की जो सबसे बड़ी एक योजना अभी संचालित की जा रही है MIDH के नाम से जी, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, यानी बागवानी के समग्र विकास के लिए एक योजना। और इस योजना में पहले से जो संचालित हमारी 6 खासकर यूनिट थी, स्कीम थी, उन सबको इसमें समावेशित किया गया है, जिसमें हमारा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर नागालैंड में है उसको, इसके अलावा नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, नेशनल बैम्बू मिशन, और एक है हमारा HMNEH जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए मिशन है। तो इस तरीके से ये 6 कंपोनेंट को मिला करके ये बहुत बड़ी एक योजना है, जिसमें दवा और सुगंधी वाले पौधे, फल फूल सब्जियाँ, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट तक को भी इसमें लिया गया है जी। समग्र रूप से हम मान सकते हैं, जैसा आपने कहा, जो MIDH है जिसको बनाया गया है, समग्र रूप से उसका फायदा हमारे किसानों तक पहुंच रहा है। जी हाँ जी हाँ। और इसके लिए जो फायदा पहुंचाने के लिए हमारा जो योजना है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ जी, ये राज्यों के बागवानी विभाग के माध्यम से इसको संचालित किया जा रहा है। चलिए बिल्कुल इस योजना के बारे में और बेहतर ढंग से आपसे हम जानेंगे, लेकिन पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। का इंसान के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। फल जहां एक तरफ स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी तरफ लकड़ी व पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। शुद्ध हवा व शुद्ध पर्यावरण भी इंसान की जरूरतों में शामिल है, इसलिए सरकार ने बागवानी की बहुत सी योजनाएं बनाई है, जिसके अंतर्गत सब्जियों फल व फूलों की खेती भी आती है। इन योजनाओं को अपनाकर किसान बेहतर खेती कर सकते हैं, तथा बागवानी कृषि योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले अनुदान प्राप्त करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
काफ़ी लाभ जो है वो हमारे किसानों को मिल सकता है बागवानी की तरफ अगर वो आगे बढ़ते हैं। कई सारी योजनाएं हैं जिनके बारे में आगे आपको कार्यक्रम में बताएंगे, लेकिन अगर बात की जाती है खाद्य प्रसंस्करण की, उसके साथ साथ प्रशिक्षण की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि बिना प्रशिक्षण के आप कुछ भी कीजिए उसका शायद उतना लाभ आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर आप प्रशिक्षण लेकर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में आगे जाते हैं काफ़ी लाभ आपको मिल सकता है। डॉक्टर ऋतु सिंह, कितना लाभ हमारे जो किसान हैं उनको क्षेत्र में मिल रहा है? देखिए, खाद्य प्रसंस्करण जो कि पहले की मैं बात करें पिछले दशक में तो काफ़ी कम था, मतलब 5-7% था, पर आज की अगर बात करें तो हमारे देश में लगभग 17% तक पहुंच चुका है जी। पर अगर हम विदेशों से तुलना करें तो हम भी अभी भी काफ़ी पीछे हैं और हमें इसमें आने की ज़रूरत है, क्योंकि आज की जो कहेंगे मांग खाद्य प्रसंस्करण ही है। अगर किसान को आय अधिक लेनी है खाली, क्योंकि आजकल खाली खेती करके फसल उगा के बेच के वो उनको उतना लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि उनको जो उनके दाम है वो नहीं मिल पाते। बिल्कुल, बात करें जैसे उदाहरण में सुनने में आया था कि आलू बहुत ज्यादा हो गया पर उसका उसको लाभ नहीं, क्योंकि उसका उसको प्रसंस्करण की अगर सहूलियत मिल जाती या वो जानकारी ले लेता अपने नजदीकी किसी भी कृषि विज्ञान या कृषि विभाग से जी, तो शायद उतना उसको नुकसान नहीं होता। तो अगर हम बात करें, अगर हम आलू का ही प्रसंस्करण कर लेते हैं, अगर हम उसमें अगर 10% ज्यादा मुनाफा लेते हैं, अगर हमने प्रसंस्करण कर लिया तो हमारा मुनाफा 80% तक चला जाता है जी। बिल्कुल, तो संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। और मैं तो सबसे कहूंगी, मतलब जो भी हमारे किसान भाई हैं, कि आज खेती के साथ साथ प्रसंस्करण की क्रिया भी अपनाएं जी, और ताकि आमदनी अच्छी हो, और ना सिर्फ अच्छी मान सकते हैं आमदनी को दुगना करने का जो लक्ष्य है, लक्ष्य शायद उसके लिए बेहतर विकल्प, पूरा बहुत अच्छा विकल्प है, और इसी से हम शायद पूरा भी कर सकते हैं 2022 तक जो हमारा लक्ष्य है जी। बिल्कुल, तो देखिए साल 2022 तक जो लक्ष्य रखा गया है हमारे जो किसान हैं उनकी आमदनी दोगुनी हो सके, उसमें खाद्य प्रसंस्करण एक बेहतर विकल्प साबित हो रहा है अभी तक अगर हम बात करते हैं, और आने वाले समय में और ज़्यादा संभावनाएं नज़र आती हैं। इस बारे में आपको आगे विस्तार से हम बताएंगे, लेकिन पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। खाद्यान्न के अलावा दूध, फल और सब्जी का भी रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। बावजूद इसके उपभोक्ताओं को फल और सब्जियों के लिए साल के अधिकांश वक्त ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। इसकी मुख्य वजह यह है कि किसान की फसल जब तैयार होकर बाजार में आती है तो अधिक आवक के कारण उसे उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता। किसान के सामने यही एक समस्या नहीं है जिससे उसे उसकी फसल की कम कीमत मिलती है, बल्कि कई और समस्याएं भी हैं। इसमें मुख्य समस्या फसल तैयार होने के बाद के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना का अभाव है। फसल के तैयार होने के बाद उसके रखरखाव को लेकर किसान को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। फिर समस्या आती है कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग की, क्योंकि कुछ फल और सब्जियों को छोड़कर ज्यादातर फल और सब्जियां जल्दी खराब होने वाली होती हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसान को 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा। वैसे किसान को हर साल होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है, इसके लिए फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण की तकनीक अपनाई जा सकती है। देखिए, खाद्य प्रसंस्करण से ना सिर्फ आप नुकसान से बच सकते हैं बल्कि अपनी आमदनी को दोगुना भी कर सकते हैं, और ऐसे तमाम उदाहरण हमारे सामने भी हैं किसानों के जिनके जरिए जिन्होंने खाद्य प्रसंस्करण के प्रशिक्षण लिया, उसके बाद क्षेत्र में आगे बढ़े और आज उनकी आमदनी दोगुने से भी ज़्यादा है, और वो बाकी किसानों के लिए भी कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। लेकिन बहरहाल बागवानी की भी अगर हम यहाँ, क्योंकि आज लगातार बात कर रहे हैं, डॉक्टर मीणा जैसे आपने बताया था MIDH की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत कई ऐसी योजनाएँ चल रही हैं जिनका लाभ मिल रहा है। खासतौर से अगर राज्यवार भी हम बात करते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर पहले माना जाता था कि शायद इस तरह की योजनाएं जो हैं वो किसानों को नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब वहाँ देख पा रहे हैं किस तरीके से जो बागवानी का क्षेत्र है वो लगातार बढ़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और पूर्वोत्तर राज्यों पर या हिमालयन जो क्षेत्र हैं हमारे उन पर सरकार का विशेष तौर पर फोकस है। उसके लिए अलग से जैसे HMNEH जी हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट, वो एक चल रहा है, संचालित है और उन्हीं राज्यों में लागू है जी। इसके अलावा वहाँ पर एक CIH करके एक केंद्र सरकार ने इंस्टीट्यूट खोला नागालैंड में, जिसका नाम है CIH यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। बिल्कुल, जो खासकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, हमारे पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनके लोगों में HRD विकास यानी
उनको ट्रेनिंग प्रशिक्षण वगैरह देना, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सारा काम वो करते हैं तो वहाँ की आवश्यकता के हिसाब से। और हमारी जितनी भी योजना है उन सब में एक विशेष मतलब कम से कम 10% वहाँ पर खर्चना है हर योजना का, तो ये भी प्रावधान किया गया है। और पूर्वोत्तर राज्य में काफ़ी संभावनाएं कई तरह से, जैसे हमारे पाइन एप्पल है, ये काफ़ी अच्छा वहाँ पर हो रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। इन योजनाओं का लाभ डॉक्टर मीना कैसे जो हमारे किसान हैं वो ले पा रहे हैं और कैसे जो बाकी किसान हैं वो ले सकते हैं? योजनाओं का लाभ खासकर सबसे पहले तो जानकारी की बात है किसान भाइयों को, कृषक महिलाओं को समय से जानकारी दी जाए उसके लिए हम प्रयास करते हैं। समय समय पर पब्लिसिटी कैंपेन भी हम करते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी रेडियो के माध्यम से। और इसके अलावा हमारे जो राज्यों के कृषि और बागवानी विभाग के अधिकारी हैं वो समय समय पर कृषि मेले, फार्मर्स जो फील्ड डेज हैं वो डेमोस्ट्रेशन ये सब लगाते हैं। और हम लोग भी कई सारे मेलों में अपनी भागीदारी करते हैं। इसके अलावा राज्यों को और हमारे जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसके संस्थानों को, राज्यों के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उन सबको वित्तीय सहायता दे करके क्षेत्रीय मेलों का आयोजन भी हम करवाते हैं। यानी अलग अलग माध्यम के जरिए देखिए जो किसान हैं उनको जानकारी देने की कोशिश की जाती है। और फिलहाल जो हमारे पास माध्यम है यानी फोनलाइन का, उसके जरिए भी एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन कुमार हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत पवन जी आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बुलंदशहर से आप बात कर रहे हैं डॉक्टर, तो ये जानना चाह रहे हैं कि आलू के चिप्स के बारे में अगर बात की जाती है, क्योंकि खाद प्रसंस्करण की हम बात करते हैं मुनाफा बढ़ाना हो तो कहाँ इनको जानकारी मिल सकती है? उत्तर प्रदेश में इन्होंने जो बताया बुलंदशहर से बताया, तो मैं बताना चाहूँगी इस बारे में कि मोदी नगर में एक काफ़ी अच्छा संस्थान है आलू पे ही जो काम करता है जी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोटैटो रिसर्च जो है CPRI जी, वहाँ से भी प्रशिक्षण ले सकते हैं। और अगर नहीं तो नज़दीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर में भी है वहाँ से प्रशिक्षण ले सकते हैं। क्योंकि आलू का चिप्स की तकनीकी जो है, जैसे घरेलू स्तर पर पहले महिलाएँ बनाती थी कि आलू काट के सुखा लिया, पर उसमें कई कमियाँ रहती हैं, तो उसको दूर करने के लिए आपको प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। और बहुत ही बेसिक मतलब कहेंगे मैं कहूँगी जानकारी इसमें आपको मिलेगी, पर वो तकनीकी जानकारी लें। और क्योंकि उसके बाद आप पैकिंग करके कि उसमें फ्राइंग का भी तलने का भी होता है, वो कैसे करना है, मशीन भी आ गई है छोटी, तो आप छोटी लागत से भी एक यूनिट भी स्टार्ट कर सकते हैं जो कि 2-2.5 लाख से भी शुरू हो सकती है। और अगर अच्छे एडवांस लेवल पर जाएंगे तो 15-20 लाख तक की भी आपकी लागत आ सकती है। और जैसा कि बता ही रहे हैं कि सर की बागवानी योजनाओं के साथ भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको जो है लोन की ऋण की सुविधा भी आसानी से मिल सकती है और मिलती भी है, और काफ़ी अच्छी मतलब आपको रियायत भी सरकार द्वारा दी जाती है। बिल्कुल, लेकिन जैसा आपने कहा जो तनकारी जानकारी है वो देखिए यहाँ पर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है मोदीपुरम में, वहाँ से आप ले सकते हैं। और आपके निकटतम जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से भी जाकर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन डॉक्टर, तो इसकी तकनीक के बारे में अगर हम बात करें तो किस तरीके से अगर हमारे जो किसान हैं उनको लगता है कहीं लागत उनकी बढ़ ना जाए, अगर वो चाहते हैं उनका मुनाफा बढ़े, तो किस तरीके से जो तकनीक है वो विकसित की गई है जिससे हमारे जो किसान हैं उनकी लागत कम हो और मुनाफा बढ़ सके? देखिए, ऐसे मैं बताना चाहूँगी कि जैसे बात एक आलू का उदाहरण लिया है, तो मैं कहूँगी कि आपके उनके आसपास सिर्फ एक ही किसान ना हो आलू का, वहाँ और आसपास और भी होंगे जी। तो ऐसे में अगर वो फार्मर प्रोड्यूसर जैसे अपने एक बना लेते हैं और संस्था ग्रुप बना लेते हैं किसानों का, तो उसमें आपका क्या होता है कि आपकी जो लागत है वो सभी में बढ़ जाती है अगर आप अपने दम पे शुरू करते हैं तो। और फिर दूसरा आपको, क्योंकि इसमें फिर मार्केटिंग की जो समस्या वो भी आपकी कम होती, क्योंकि एक अकेला बना नहीं सकता, पैक नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता, तो ऐसे मिलके अगर करेंगे तो उसमें एक तो जो पैसे का जो है सबसे बड़ी समस्या रहती है वो कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और मुनाफा भी उसमें अच्छा रहेगा। और एक उनको, क्योंकि कच्चा माल, जब भी हम खाद्य प्रसंस्करण की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आपका कच्चा माल आपके आसपास ही होना चाहिए जी। तो ऐसे में अगर किसान अपने खेत पे जो उगा रहा है उसी से प्रसंस्करण करे समूह में बना के, तो बहुत अच्छा फायदा ले सकता है। बिल्कुल, तो देखिए समूह बनाकर आप अगर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी फायदा आपको यहाँ हो सकता है। और जैसा कि डॉक्टर मीना यहाँ डॉक्टर ऋतु ने हमें हमारे साथ जिक्र किया कि मार्केटिंग की हम बात करते हैं या दूसरे जो कहीं ना कहीं पैमाने हैं अगर हमारे किसानों के लिहाज से बात की जाए, तो क्या बागवानी योजनाओं में इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि जो हमारे किसानों की फसल है ना सिर्फ उनको उस योजना का लाभ मिले बल्कि अगर उसको बाजार तक भी पहुँचाना है तो उसके लिए भी किस योजनाएं हैं? जी हाँ, बागवानी योजनाएं नहीं बल्कि हमारी कृषि मंत्रालय की जो योजनाएं हैं इसमें खासकर एक ई नेम के नाम से संचालित योजना है जी, जिसको ऑनलाइन ट्रेडिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग कह सकते हैं। उसमें देश भर की जो खासकर 585 मंडी
जी, उनको एक दूसरे से जोड़ के ऑनलाइन ट्रेडिंग का सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। और इस सिस्टम के द्वारा आप किस मंडी में क्या रेट मिल रहा है किसान को, किस प्रोडक्ट का, उसकी क्या ग्रेडिंग है, तो पूरे देश भर के वो ट्रेडर जो उन मंडियों में होंगे वो उसको देख सकते हैं और ऑनलाइन उसको परचेज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इससे क्या है, एक ट्रांसपेरेंसी डेवलप होगी, किसानों को भी पता होगा कहाँ क्या रेट चल रहा है, और जो व्यापारी खरीदने वाले हैं उनको भी जहाँ उनको रीजनेबल में मिल रहा है वहाँ से वो परचेज कर सकते हैं। तो एक तो ये है जी। इसके अलावा जैसे डॉक्टर ऋतु ने कहा, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट हमारे हॉर्टिकल्चर जो बागवानी योजना है उनका एक पार्ट है जी। उसमें आपको कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी के तौर पर प्रोसेसिंग की भी सुविधाएं हैं जी, योजना है उन पर अनुदान की व्यवस्था है। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज जी, जब बहुत ज्यादा आपका प्रोडक्ट हो रहा है, ग्लट आ रहा है मार्केट में, मान लो दाम वाजिब नहीं मिल रहे, तो उस स्टोरेज में रखने के लिए भी जगह जगह वेयर हाउसेज है, कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड चेन, रेफ्रिजरेटेड वैन, तो ये सब सरकार की योजनाओं के तहत सुविधाएं दी गई हैं। और जो जागरूक किसान है वो इनका लाभ काफी अभी लेने लगे हैं जी। कहने का मतलब इस तरीके से व्यवस्था की गई है कि किसान भाई जब मार्केट में सस्ते हों उनके उत्पाद तो औने पौने दामों में नहीं बेच करके या तो वो प्रोसेसिंग की तरफ जा सकते हैं जी। उसके लिए कृषि मंत्रालय की बागवानी योजनाओं में भी कुछ प्रावधान है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जी, वो भी काफी बड़े स्तर पर किसानों के समूह बना के अगर कोई खोलना चाहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसके लिए वित्तीय सहायता है और 20-25 करोड़ तक भी मतलब उसमें वित्तीय सहायता समूह के रूप में अगर करते हैं तो मिलती है। और वो पूरे जैसे डॉक्टर ऋतु ने कहा उस क्षेत्र में कोई फसल विशेष है और किसी सीजन में ज्यादा रेट डाउन होते हैं तो किसान भाई मिलके एक अपनी कंपनी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी भी खोल रहे हैं आजकल, जिसको हमारा स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्सियम SFAC एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वो ग्रुप बना के किसानों को प्रशिक्षण दिलाना, उनको लोन उपलब्ध करवाना और उनकी मार्केटिंग को भी प्रमोट करना जी, ये तक उसमें व्यवस्था है। यानी चौतरफा मदद जो है वो देखिए हमारे किसानों को दी जा रही है, फिर चाहे बागवानी योजना की हम बात करते हैं या खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी पूरी मदद हमारे जो किसान भाई है उनको दी जाती है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ कुशीनगर से जुड़ चुके हैं। सिंटू जी बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं जी? जी जैसे आलू का ही है, मान लीजिए आलू निकाल कर खेतों में रखना हो उसको लिखा करके जी, उसको आगे क्या खर्चे आएंगे तो लिखा करने के लिए, छोटे मतलब छोटे किसान के लिए छोटा कैसे कितना तक बन सकता है उसको लिखा जी। चलिए जानना चाह रहे हैं कि खाद क्या खर्चे आएंगे और इसको चिप्स बनवा कर काम किया जाए तो चलिए बिल्कुल। भंडारण का भी इन्होंने जिक्र किया, छोटे किसान यानी जो समूह है वो भी वहाँ छोटा रह सकता है, ज्यादा किसान नहीं होंगे तो वहाँ कितनी लागत जो है वो लगभग लग सकती है और उसमें किस तरह की मदद हमारे किसानों को मिल सकती है? देखिए एक सबसे पहले से बताना चाहूंगी कि आप खेती करते हैं तो जब भी अब खेती हम करें, कोई भी हमें फसल लगानी है तो हमें एक प्लानिंग यानी कि एक बना लेना चाहिए कि हमें आलू के चिप्स बनाने के लिए आलू लगाना है तो उसकी किस्में हैं, तो वो किस्म हम लगाएं पहले और वो किस्म लगाने के बाद जैसे अब लगा दी तो हम उसमें देखेंगे कि हमारे जैसे अगर हम 3-4 किसानों ने लगाया या मैंने अकेले ने ही लगाया है जी, तो उस क्योंकि चिप्स का जैसे साइज होता है कि ये नाप के अच्छे माने जाते हैं, इतना कुरकुरा होना चाहिए तो इसकी थोड़ी सी गुणवत्ता ऐसी होनी चाहिए, तो ये कुछ वो कंडीशन है जो कि जरूरी है, तो मानक ये हम मान सकते हैं, मानक मान सकते हैं, तो ये ध्यान रख के जरूर लगाएं। और फिर उसके बाद आपने आपने लेना है कि अपने यूनिट एक आपने लगाना है चिप्स बनाने का, तो इसमें आप सबसे पहले प्रशिक्षण लीजिए, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जैसे मोदीपुरम आपका है, कुशीनगर जैसे आप हैं तो वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र आपके जिले में आजकल आज की तारीख में बात करें तो हर जिले में खुल गए हैं जी। और तो वहाँ से प्रशिक्षण ले सकते हैं, उसमें जानकारी ले सकते हैं वहाँ से, क्योंकि आपको क्योंकि क्या मशीनरी लगेगी, क्योंकि छोटे स्तर पर भी शुरू कर सकते हैं और इसको बड़े स्तर पर शुरू कर सकते हैं। अगर मैं छोटे स्तर की बात करूँ तो आप 3-3.5 लाख तक से भी शुरू कर सकते हैं इसको, बिल्कुल आलू के चिप्स बनाने की बात करें जो लागत है वो 2.5-3 लाख की आ सकती है, बिल्कुल छोटे स्तर पर शुरू करते हैं तो बिल्कुल। पर मैं कहूँगी सबसे पहले इसमें प्रशिक्षण ज़रूर लें, आजकल नेट इंटरनेट का काफ़ी दौर है अच्छा है, तो आपको आसपास के आपके आसपास कौन कौन सी योजनाएं हैं या आप जैसे आपको हमारे माध्यम से और आपके और संस्थाएं हैं उन संस्थान हैं उनके द्वारा भी आपको ये जानकारी मिल सकती है जी, तो सबसे पहले आप नज़दीकी अपने जो भी केंद्र है कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग वहाँ इस बारे में संपर्क करें और वहाँ से तकनीकी जानकारी यानी कि प्रशिक्षण प्राप्त करें।
जी बिल्कुल। तो देखिए, पहले जो अहम है वो आपके लिए प्रशिक्षण है, उसके बाद बेहतर ढंग से आप प्रसंस्करण के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ डॉक्टर मीना, जैसे आपने कहा फसल विशेष की हम बात करते हैं, क्योंकि ना सिर्फ हमारी जो सब्जियाँ हैं, फल हैं, फूल हैं, पॉलीहाउस में अब हमारे किसान की बेहतर ढंग से खेती करते हैं, बागवानी योजनाओं का लाभ भी लेते हैं, लेकिन फसल विशेष की जब हम बात करते हैं, हमने देखा था हाल ही में जब अगर नारियल की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, इसी तरह अगर बांस के विकास की हम बात करें उसके लिए भी बढ़ावा दिया जा रहा है, कैसे इससे हमारे जो किसान हैं वो जुड़ सकते हैं? खासकर जैसे नारियल और बांस की आप बात कर रहे हैं, तो ये क्योंकि पूरे देश में नई चीज़ें हो रही हैं, तो जो कोकोनट ग्रोइंग स्टेट्स हैं जहाँ पर नारियल पैदा होता है, उन राज्यों में नारियल के पौधे उपलब्ध कराना, उनकी अच्छी उन्नत जो किस्में हैं वो किसानों को उपलब्ध कराना, उनको प्रशिक्षण, खासकर जो HRD कंपोनेंट है, किसानों को कोई भी बाग बगीचा लगाने से पहले एक प्रॉपर प्रशिक्षण लेके कितनी पौधे से पौधे की दूरी रखनी है जी, किस मौसम में लगाना है, कितनी सिंचाई देनी है, यानी उसकी पूरी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस वो हमारे जो विशेषज्ञ हैं जी, वो समय समय पर, और विशेषज्ञ हमारे स्टेट्स जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उनमें हैं, राज्यों के बागवानी विभाग के अधिकारी हैं जी, कृषि विज्ञान केंद्र हमारे देश भर में फैले हुए पूरा नेटवर्क, उसमें भी बागवानी विशेषज्ञ होते हैं। तो सबसे पहले किसानों को एक ट्रेनिंग दे करके और सरकार की योजना के तहत उनको जो भी सुविधा दी जा सकती है, जैसे पौधे उपलब्ध कराना, उनका प्लानिंग लेआउट करना, मार्केटिंग के एस्पेक्ट से भी देखना कि उनको कहाँ उसकी मार्केटिंग करनी है, और प्रोसेसिंग भी जी, अगर मार्केट में ठीक दाम नहीं मिल रहे तो किसानों को ये भी प्रशिक्षण दिया जाता है वो क्या क्या उसके उत्पाद बना सकते हैं, कहाँ कहाँ उनको बेच सकते हैं। चलिए बिल्कुल, लेकिन जो प्रशिक्षण है उसके तहत और क्या सुविधा मिल सकती है आपसे मैं जानूंगा, लेकिन पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल हम ले लेते हैं। मध्य प्रदेश से दीपक जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत दीपक जी आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो दीपक जी, दीपक जी मैं चाहूंगा बस सवाल आप एक बार अपना दोहरा दें। दीपक जी चलिए, लहसुन का प्रसंस्करण कैसे किया जाए या इस क्षेत्र में कितनी संभावना है? जी बिल्कुल डॉक्टर, तू क्या आप इनको बताना चाहेंगे लहसुन के क्षेत्र में जानना चाह रहे हैं? लहसुन का प्रसंस्करण कई प्रकार से कर सकते हैं, लहसुन को हम सुखा के उसका पाउडर बना सकते हैं, लहसुन को का हम पेस्ट बना सकते हैं, लहसुन का हम अचार बना सकते हैं, और कई बार कई दवाइयों में, आयुर्वेदिक दवाइयों में लहसुन का रस का भी इस्तेमाल होता है जी। तो इस प्रकार की 3-4 प्रक्रियाएं जो उत्पाद हैं जो कि बना सकते हैं और उसका मतलब मार्केट कर सकते हैं। ये काफी अभी इस समय पे लहसुन काफी अच्छी मात्रा में उपलब्ध है और काफी दाम कम होते हैं, तो ये बिल्कुल सही समय और बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला लहसुन इस समय उपलब्ध रहता है। तो ये सब चीजें बना के पाउडर बनाना है, पाउडर आपका एक्सपोर्ट भी होता है हमारा लहसुन का पाउडर जी, या लहसुन का पेस्ट कह लीजिए, वो भी खूब अच्छे से पैकिंग वगैरह में आ रहा है, तो वो पेस्ट बना के भी कर सकते हैं, और अचार तो है ही जी। तो ये सब उत्पाद हैं जो कि बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए कई ऐसे उत्पाद हैं जो लहसुन से आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप जानकारी लें, प्रशिक्षण लें, जागरूक रहें, और उम्मीद करते हैं कि इस साल ना सिर्फ हमारे जो तमाम दर्शक हैं, किसान भाई हैं, पूरी जानकारी लेंगे, जागरूक होंगे, बल्कि दूसरे किसानों को भी जागरूक कर सकेंगे, लेकिन आगे भी आपको हम यहाँ जानकारी देंगे इस विषय के बारे में। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हासिल होते हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हेलो किसान में। आज आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं खाद्य प्रसंस्करण व प्रशिक्षण और बागवानी योजनाओं के बारे में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने भी जाना किस तरीके से बागवानी योजनाएं चल रही हैं, हमारे किसानों को इसका फायदा भी पहुंच रहा है, और इस बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सवाल आपके जहन में है, तो आप देर मत कीजिए, आप तुरंत कॉल लगा सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर। यहाँ डॉक्टर मीना, एक सवाल आपसे और हम जानना चाहेंगे, आपने कहा कि जो प्रशिक्षण की तमाम सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन इसके लिए किसी तरह का शुल्क अगर हम बात करें, क्या वो भी जो किसान हैं उनसे लिया जाता है?
जी नहीं, आमतौर पर जितने भी प्रशिक्षण किसानों के लिए आयोजित किए जाते हैं वो ज़्यादातर किसी न किसी योजना के तहत जी, और कहीं भुगतान करना भी होता है किसी संस्थान को तो उस योजना से ही वो पैसा जाता है। तो जितनी भी सरकार की किसान हितकारी योजनाएं हैं उनमें सभी में ज़्यादातर ये व्यवस्था की गई है किसानों को प्रशिक्षण देने की। और हमारी एक आत्मा योजना है जो पूरे देश में संचालित है जी। आत्मा योजना में तो विशेषकर किसानों को एक्सपोजर विजिट यानी एक जिले से दूसरे जिले में जी, एक राज्य से दूसरे राज्य में भ्रमण की उनकी रुचि के हिसाब से, जैसे बागवानी में रुचि रखते हैं किसान, उनका एक समूह लगभग 20 आदमी का समूह बना करके उनको बागवानी के क्षेत्र में जो विकसित जगह हैं जी बिल्कुल, विकसित राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र है या कोई दूसरा राज्य, ऐसे डेयरी सेक्टर मान लो डेयरी का समूह है महिलाओं का पुरुषों का, तो उसको हम आनंद खासकर गुजरात में वो ऐसा क्षेत्र है जो डेयरी कोऑपरेटिव्स के लिए प्रसिद्ध है बिल्कुल, तो उन क्षेत्रों में उनको भ्रमण के लिए ले जाया जाता है और वहाँ के जो किसान जो उस काम को कर रहे हैं उनसे बाकायदा इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है, वो वहाँ पर अपनी आंखों से देखते हैं तो निश्चित तौर पर उनको ज्यादा विश्वास होता है, कॉन्फिडेंस होता है और वो उन चीजों को अपनाने आसानी से स्वीकार करते हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही हम कहीं ना कहीं देखते हैं क्योंकि कई ऐसी सब्जियां हैं फल भी हैं जो साल भर अब हमें बाजार में उपलब्ध होते हैं, तो जो बागवानी योजनाएं हैं इसका असर हम मान सकते हैं डॉक्टर मीना कि अब जो हमारे किसान हैं वो सक्षम हैं, फिर चाहे वो पॉलीहाउस में उन सब्जियों की खेती करें या खुले में भी अगर करते हैं तो। जी हाँ, निश्चित तौर पर हमारी जो ये नई नई टेक्नोलॉजी वैज्ञानिकों ने डेवलप की है जी, इसके अलावा मॉडर्न हॉर्टिकल्चर की हम बात करते हैं, हाईटेक हॉर्टिकल्चर जी, जिसमें ग्रीन हाउस, पॉलीहाउस, लो टनल टेक्नोलॉजी, ये सब इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी आप उनमें फल सब्जियां और फूल जी उगा सकते हैं और स्वस्थ और अच्छी गुणवत्ता के। आजकल तो जो अगेती फसलें हैं बाजार में आपको देखने को मिलती हैं, चाहे खासकर सब्जियां हैं, अगेती सब्जियों के दाम कई गुना ज्यादा मिलते हैं जी, तो किसान क्या करते हैं जब उनके खेतों में कोई दूसरी फसल लगी हो, अगेती फसल लगाने के लिए पौध तैयार करते हैं पॉली हाउस में या लो टनल टेक्नोलॉजी से और स्वस्थ फल होते हैं वो पौध होती है वो जी, उसमें क्योंकि मक्खियां या मच्छर या जो कीट हैं वो नहीं जा पाते तो पौध भी स्वस्थ होती है और जब एक डेढ़ महीने बाद आपका खेत खाली होता है तब तक उस स्ट्रक्चर में पौध तैयार हो जाती है, आप खेत को दो तीन दिन में तैयार करके फिर से रोपण कर सकते हैं। तो एक तो साल में जैसे दो फसल लेते थे उसके बजाय तीन या चार फसल किसान भाई लेने लगे इन्हीं स्ट्रक्चर की मदद से, और विपरीत परिस्थितियां खासकर जैसे बहुत हाई टेम्परेचर हो या अंधड़ हो या बहुत सर्दी पड़ रही हो, जब खुले में फसलें नष्ट हो रही हो तो ग्रीन हाउस पॉली हाउस में वो आसानी से ग्रोथ करती हैं क्योंकि उनमें टेम्परेचर और ये सब कंट्रोल रहता है बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब जो उन्नत तकनीक है खासतौर से जो उन्नत या प्रगतिशील किसान है वो तो सक्षम रहते हैं इसके लिए, एक जो आम किसान है उसको ये लगता है शायद बहुत ज़्यादा लागत इसमें आ सकती है और कहीं ना कहीं उनकी सोच से ये परे हो जाती है तकनीक, लेकिन यही तकनीक जो है अगर हम ये कहते हैं कि हमारे किसानों के लिए लाभकारी है हितकारी है फिर कैसे उन किसानों तक हम पहुंचाएंगे? किसानों को इसके लिए जैसे मैं प्रशिक्षण की बात कर रहा हूं और समूह भी बनाए जा रहे हैं, सरकार का क्लस्टर डेवलपमेंट में रुचि है अभी जी, कि किसी खास क्षेत्र में किसी चीज को इतना बढ़ाया जाए और समूह किसानों के बना दिए जाए जिसमें फार्मर्स ग्रोवर्स हैं या फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी हैं, हमारे कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसी काम में लगे हुए हैं, समूह बना करके एक तो उनको प्रशिक्षण देना बड़ा आसान होता है और मार्केटिंग उनके लिए बहुत आसान होती है क्योंकि वो पहले से ही लिंक अपना रखते हैं कहाँ उनका उत्पाद जाना है, और कई ऐसी कंपनियां हैं जो प्रोसेसिंग करती हैं बिल्कुल, तो उनके खेत से ही पहले से रेट तय हो जाता है वहीं से परचेज कर लेते हैं तो मार्केटिंग की समस्या भी काफी हद तक सॉल्व हो जाती है और जो बैंक से योजना के तहत जो वित्तीय सहायता लेते हैं वो भी काफी आसान उनको हो जाती है, और इस सब के लिए हमारे जो ब्लॉक और जिले स्तर के बागवानी अधिकारी हैं वो काम करते हैं और समय समय पर किसानों के लिए प्रशिक्षण, इसके अलावा एग्जीबिशंस जी, हमारी आत्मा योजना में ब्लॉक और जिले स्तर की एग्जीबिशन लगाने का भी प्रावधान है, जिले स्तर पर भी वो लगाते हैं और राज्य। लेकिन ये जो वित्तीय सहायता का आप जिक्र कर रहे हैं कैसे इसके लिए, क्या जो किसान है उसको आवेदन करना होगा या अगर किसी गाँव में वो है या ब्लॉक स्तर पर भी है तो कहाँ जाकर वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं? इसके लिए उनको कहीं दूर नहीं जाना, अपने ब्लॉक और जिले स्तर के जो बागवानी अधिकारी हैं जी, क्योंकि इसमें बागवानी की जो भी योजनाओं का लाभ लेते हैं किसान उनको वो अधिकारी चयन कर लेते हैं उनकी रुचि को देख के, उनको प्रशिक्षित भी किया जाता है और जो योजना के तहत प्रशिक्षण लेते हैं उनकी पहले से लिस्ट होती है क्या उनको लगाना है,
टोटल कितनी जमीन में लगाना है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, ये सारा ऑन पेपर होता है और एक प्रोजेक्ट बना करके फिर उसको सेंक्शन किया जाता है और उनको एक साथ नहीं किस्तों में वो मदद मिलती है। ये भी देखते हैं कि मान लो बाग किसी ने लगाया तो पहले साल जैसे कितने पौधे सर्वाइव किए, 3 साल तक उसको मॉनिटर करते हैं बाकायदा, तो जैसे 70%, फिर उसके बाद में तीसरे साल में कम से कम 90% पौधे लगे होने चाहिए, बिल्कुल, जिससे किसान भी उसमें रुचि ले और वास्तव में ही वो बगीचा लग के तैयार हो, अच्छा तैयार हो, इसके लिए वो नियमित रूप से उसका आकलन करते हैं। निगरानी जो है वो भी बेहद जरूरी है, और किस्तों में उनको पैसा उस हिसाब से जी जरूरत के अनुसार हम मान सकते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो देखिए वित्तीय सहायता जो है हमारे किसान भाइयों तक पहुंच जाती है। लेकिन डॉक्टर ऋतु, यहाँ आपसे हम जानना चाहेंगे, आलू का तो आपने उदाहरण हमें दिया, लेकिन इससे ज्यादा जो रुचि है खासतौर से जब खाद्य प्रसंस्करण की हम बात करते हैं, तो किस उत्पाद के लिए, कौन सी फसल के लिए आप ज्यादा देखती हैं कि जो किसान है उनका एक रुझान वहाँ ज्यादा नजर आता है हमें? जी, ये जो देखा गया है ज़्यादा किसान का जो रुझान की बात करें तो फल सब्जियों में ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि कुछ फल सब्जी हमारे ऐसे हैं कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और क्योंकि पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है तो इनको बहुत ज़रूरत है प्रसंस्करण की, चाहे आप सुखा लें चाहे आप कुछ उत्पाद बना लें। तो मैं यही हमने देखा कि जब भी हमारे पास आते भी हैं, हमारे केंद्र में भी जो आते हैं जानकारी लेने, ज़्यादातर फल सब्जियों के लिए लेने आते हैं क्योंकि इनके इसमें, क्योंकि एक तो जब हम बात करें अगर मौसम में अगर ये उपलब्ध होते हैं तो बहुत इनके कम दाम होते हैं, और जब इनका उत्पाद बना लिया जाता है, मान लीजिए एक मैं टमाटर की बात करूँ, अभी टमाटर काफ़ी हमारे सस्ते होते जा रहे हैं, उदाहरण दे रही हैं इस मौसम में टमाटर हमारे, और इस समय का जो टमाटर होता है हम कहते हैं सॉस और केचप के लिए, प्यूरी के लिए बहुत उपयुक्त होता है क्योंकि गूदे की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत अच्छा उत्पाद आपका निकल के आ सकता है। तो टमाटर जब हमें 10 रुपये किलो अगर मिल रहा है और मैंने उस टमाटर से अगर 1.5 किलो मैंने टमाटर लिया तो मेरी जो लागत आएगी 25 से 30 रुपये 1 किलो सॉस बनाने के लिए आएगी, और मैं उस सॉस को जो है 90 रुपये 80 रुपये से भी बेच सकती हूँ 1 किलो। तो देखिए कितना ज्यादा आपका मार्जिन हो गया, क्योंकि तो ये लागत से लगभग 3 गुना अगर चाहे तो मिल सकता है हमें। तो ऐसे में हमें ये ही, क्योंकि ऐसे में जब मौसम का खासकर ध्यान रखें, जिस मौसम में बहुत ज्यादा उपलब्ध है उसी समय पे उसका अगर प्रसंस्करण कर लें जी तो काफी हमें अच्छा दाम मिल जाता है। और फल सब्जियों में ये है कि हमारे जो जो लागत की बात करें काफी कम आती है। लेकिन डॉक्टर ऋतु, जो खाद्य प्रसंस्करण है पूरी एक प्रक्रिया है, जैसे कि आपने कहा कि इसमें अगर उसको बाजार तक भी पहुंचाना है, लेकिन उससे पहले भी अगर हम पैकेजिंग की बात करते हैं, ग्रेडिंग की हम बात करते हैं, या जो किसान की सामग्री है उसको बाजार तक भी पहुंचाना है, क्या इसके लिए भी, और खासतौर से ऋण की भी अगर हम यहाँ बात करें, अगर हमारे जो किसान है उसको ऋण की आवश्यकता होती है तो क्या खाद्य प्रसंस्करण के साथ साथ इन चीजों के लिए भी कुछ प्रशिक्षण दिया जाता है किसान को? बिल्कुल, जब जैसे हम कृषि विज्ञान केंद्र की ही बात करें तो यहाँ पे जैसे हम लोग जब प्रशिक्षण देते हैं, हम कहते हैं कि फल सब्जी के प्रसंस्करण के प्रशिक्षण हम देते हैं, तो उनका कैसे प्रसंस्करण करना है वो तो बताते हैं, साथ साथ इनका आपने बाजार, क्योंकि इसमें हम बैंक को भी बुलाते हैं ताकि वो बताएं कि आपको ऋण सुविधाएं क्या हैं जी, और साथ में ऐसे हमारे जो पहले से सीख के गए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं उनसे भी उनको मिलवाते हैं ताकि बातचीत उनसे होगी तभी उनको भी थोड़ा सा होगा कि नहीं हम ये काम कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, उन्हें क्या दिक्कतें आई, उन्होंने कैसे अपना आगे, क्योंकि आजकल भाई कोई भी खाने की जो चीज़ आप ऐसे ही ले जाके बाजार में नहीं बेच सकते, तो आपको एक फूड सेफ्टी का लाइसेंस लेना पड़ता है, तो वो लाइसेंस आपने कैसे लेना है वो उसके बारे में बताया जाता है, उसी प्रशिक्षण के दौरान बताया जाता है। चलिए बिल्कुल, इस बारे में और आपसे मैं जानकारी लूंगा विस्तार से। फिलहाल एक और दर्शक है हमारे साथ जो कि मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं, पुष्कर सिंह जी बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? सर, मैं पुष्कर सिंह बोल रहा हूँ मध्य प्रदेश से जी। पुष्कर जी सवाल कर सकते हैं आप अपना। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था सर जी, जैसे अभी ये अपना आप बता रहे हैं टीवी में ये पॉली हाउस ग्रीन हाउस के लिए जी, तो उसमें सर क्या है कि मैंने इसका ट्रेनिंग लिया हुआ भोपाल में की बात से जी, तो एक्चुअली सर मेरा इश्यू ये है कि हमारे शहडोल जिले में एक भी टारगेट नहीं था पॉली हाउस के लिए, तो हम लोग कैसे ग्रो करें? जो पॉली हाउस है उसके लिए आपको मदद नहीं मिलती आपके जिले में? मैं उनके हमारे जिले के जो ज्ञानकी विभाग है उनके हेड के पास गया था जी, तो वो लोग बोलते हैं कि हमारा टारगेट नहीं है, मतलब शहडोल जिले के लिए कोई टारगेट नहीं है, शहडोल जिले में कोई पॉली हाउस के लिए भी टारगेट ही नहीं है जी। चलिए बिल्कुल, डॉक्टर मीना क्या इनको आप बताना चाहेंगे, कुछ खास प्रतिक्रिया जो है वो इनको नहीं मिल पाई, कहा गया कि भाई ये हमारे लक्ष्य में नहीं है, तो शायद फिर किसानों का रुझान कैसे मान सकते हैं बागवानी की तरफ बढ़ सकता है? नहीं, ऐसा
हो सकता है किसी जैसे यूनिवर्सिटी के विभाग में कहीं गए हों, बागवानी विभाग जो राज्य सरकार का है वो ये योजनाओं को संचालित करता है, यूनिवर्सिटी के जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हैं या कृषि विज्ञान केंद्र हैं जी, वो ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, एडवाइजरी देते हैं, प्रोजेक्ट बनाने में भी हेल्प कर सकते हैं, और कभी कभी ये होता है कि शायद बजट जब इन्होंने संपर्क किया हो किसी जिले में बजट नहीं हो उपलब्ध तो आगे पीछे, बाकी योजना देश भर के किसानों के लिए है जी। और कभी बजट नहीं होता तो ऐसा होता है कि वो आगे के लिए बोल दें या कहें अभी कोई प्रावधान नहीं है, तो ऐसा होता है, बजट की कभी कमी होती है, बाकी योजना सब जगह के लिए है और कहीं ऐसा नहीं है कि किसी जिले को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया हो जी। तो निश्चित तौर पर ये दोबारा संपर्क करें बिल्कुल, तो उसका लाभ मिलेगा। प्रशिक्षण भी इनको इसीलिए दिया गया होगा क्योंकि बिना उसके मदद के तो कोई अपनी मर्जी से किसान भाई लगाएंगे नहीं जी। प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, बाद में देख रेख, एडवाइजरी, वो सब उनको देना पड़ता है बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर मीणा, जैसे आपने कहा कि जो एक प्रोजेक्ट है वो पहले जमा किया जाता है, तो अगर कोई किसान पॉलीहाउस लगाना चाहते हैं तो उसके ऊपर उनको वित्तीय सहायता मिलेगी, या उसमें अगर वो जो उन्नत सिंचाई प्रणाली है ड्रिप अगर वो उसमें लगाना चाह रहे हैं उसके लिए अलग से मिलेगी, या पूरा जो एक उनका पॉलीहाउस है उसमें जितनी भी तमाम चीज़ें हैं उनके ऊपर हमारे जो किसान हैं उनका अनुदान मिल सकता है? बिल्कुल, तमाम चीज़ों के लिए मिलता है। ये जो आप बात कर रहे हैं ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन, इसके लिए भी है, और वो पॉली हाउस नहीं हो तो भी मान लो आप खुले में खेत में भी सब्जियां उगा रहे हैं, बगीचा लगाया हुआ है, उसमें भी अगर बूंद बूंद सिंचाई विधि, फवारा विधि आप अपनाते हैं तो उसके लिए भी वित्तीय सहायता है जी। और सबकी यूनिट कॉस्ट तय की हुई है, प्रोजेक्ट बने मतलब हमारी जो गाइडलाइंस हैं उसमें सब कुछ दिया हुआ है भाई कितने क्षेत्रफल के लिए कितना मदद मिलनी है जी, तो वो मिलती है जी। और खासकर अगर कोई भी शंका हो, इनको एक नंबर में बता देता हूँ किसान कॉल सेंटर का जी, किसी क्षेत्र विशेष में कोई समस्या है तो वहाँ पर संपर्क करके उसका जवाब ले सकते हैं, जैसे 1800-180-1551 जी, टोल फ्री नंबर है, वर्ष के 365 दिन सप्ताह में सातों दिन ये उपलब्ध है बिल्कुल, सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक किसान भाई इस नंबर पर फोन करके किसी भी योजना से संबंधित कोई उनको समस्या आ रही है या कोई मार्गदर्शन चाहिए या अपनी खेती किसानी में कोई भी दिक्कत है तो हमारे विशेषज्ञों से इस नंबर पर फोन करके मुफ्त में सलाह प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे। बिल्कुल, घर बैठे देखिए आप जानकारी ले सकते हैं, 1800-181-1551 ये नंबर जिस पर आपको जानकारी मिल सकती है। साथ ही हेलो किसान के जरिए भी आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं, और एक और दर्शक हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं, हरियाणा से संदीप हमारे साथ जुड़े हैं फोनलाइन पर। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं बागवानी के बारे में जानना चाह रहा हूँ जी, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं? ये इस बार सरकार के कुछ मदद देवे जी, कैसे लगाए, कौन सी फसल आप अपनाना चाह रहे हैं बागवानी के लिए? अमरूद जी। अमरूद की आप बागवानी करना चाह रहे हैं? हाँ जी। चल बिल्कुल, डॉक्टर मीना क्या आप सरकार बागवानी को जैसे मैं कह रहा हूँ उसमें अमरूद, आम, नींबू, आंवला, जो भी फलदार पौधे हैं, सब्जियां हैं, सभी पर सहायता दे रही है। आपको चाहिए आप या तो अपने निकटतम जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें संपर्क कर लें जी, और अच्छी किस्मों के अमरूद लेने के लिए बागवानी विभाग में एक तो अर्जी अपनी डाल सकते हैं, वो कई जगह से मंगवा के, या अपने राज्य में भी कई उनकी नर्सरी होंगी चिन्हित की हुई जी, उन नर्सरियों में तैयार करके उन्नत जो ग्राफ्टेड पौधे हैं वो किसानों को उपलब्ध कराते हैं, कितने क्षेत्रफल में लगाना है, क्या दूरी रहेगी, वो सारा कैलकुलेट करके सारी जानकारी पूरा हाँ इनको देंगे, प्रशिक्षण भी देंगे, और अमरूद में कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छा अमरूद, और हरियाणा स्टेट बागवानी में काफी तरक्की कर रहा है इन दिनों बिल्कुल। हमारा इंडो इजराइल जो प्रोजेक्ट है उसके भी कई वहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बिल्कुल वो भी डेवलप हो रहे हैं, तो हरियाणा में कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली के बहुत नजदीक है, मार्केटिंग के हिसाब से आज की तारीख में अगर हम देखते हैं बाजार में 70-80 रुपए किलो जो बढ़िया अमरूद है जी, वो मिल रहा है, कल ही हमने खरीदा है बिल्कुल। तो देखिए एक जीवंत उदाहरण यहाँ डॉक्टर मीणा में दे रहा है, अभी जैसे डॉक्टर ऋतु कह रही थी जी, अनार 50-60-70 में ही अनार मिल रहा है जी, तो बहुत अच्छा रिटर्न इससे मिल सकता है, अच्छी किस्में लगाए और जो वैज्ञानिक तरीके से देख रेख करें तो अमरूद की खेती से बड़ा अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। बिल्कुल देखिए, अच्छा मुनाफा आप ले सकते हैं, और अच्छे मुनाफे के लिए ये बेहद ज़रूरी कि आप बेहतर ढंग से जानकारी भी लें, और जो बागवानी की योजनाएं हैं उसमें पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, उसमें प्रशिक्षण भी आपको दिया जाएगा, उसके बाद किस तरीके से बेहतर ढंग से आप अगर अमरूद की खेती करना चाह रहे हैं, उसकी बागवानी करना चाहते हैं, तो वहाँ कैसे आपको ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है, सारी जानकारी, और यहाँ तक कि बाज़ार व्यवस्था कैसे की जाएगी इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। आगे भी आपको हम जानकारी देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हेलो किसान में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।
जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी। समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल। कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हेलो किसान में खाद्य प्रसंस्करण व प्रशिक्षण और बागवानी योजनाएं, इस विषय पर आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं। काफ़ी दर्शक हमारे साथ अभी तक जुड़े, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे जो टोल फ्री नंबर हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप अपना सवाल हमारे जो स्टूडियो में आज विशेषज्ञ मौजूद हैं उनसे पूछ सकते हैं। फिलहाल बिहार से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो आनंद जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जानना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ टमाटर की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है जी, और उसके प्रसंस्करण और प्रशिक्षण के विषय में जानना चाहते हैं। चलिए, टमाटर की खेती जो है काफी अच्छी इनके यहाँ पे, कैसे उसका प्रसंस्करण किया जाए, उसके लिए प्रशिक्षण कहाँ से? देखिए, टमाटर का प्रसंस्करण जैसे है कि आप कई हम रूप में उसका कर सकते हैं। आप जैसे हम पहले बताया था कि सॉस बना सकते हैं, टमाटर से प्यूरी बना सकते हैं, टमाटर का केचप बना सकते हैं, उसको सुखा सकते हैं टमाटर को, क्योंकि कई जो हमारे रेडीमेड जो आजकल खाने के चीज़ें आती हैं, जैसे आपका सूप आता है रेडीमेड, आपका कोई भी मसाले आते हैं, तो उनमें भी उन सूखे टमाटर पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है जी। और तो इस तरीके कई उत्पाद हैं जो कि टमाटर का रस है, टमाटर का जूस है जी, ये और टमाटर का सूप है, ये सब भी प्रसंस्कृत उत्पाद हैं। पर इन सब उत्पादों को बनाने के लिए आपको तकनीकी जानकारी होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो इस जानकारी के लिए आपको लेना पड़ेगा प्रशिक्षण जी। और जो कि आप जैसे बिहार से आप बोल रहे थे, तो आप वहाँ पे आपके कोई भी आपका कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग या कृषि विश्वविद्यालय जी, वहाँ से जाकर प्रशिक्षण प्राप्त कर लें इस बारे में, ताकि आपको उसमें क्योंकि पूरी जानकारी मिल जाएगी, आपको प्रसंस्करण कैसे करना है, प्रसंस्करण ही नहीं उसको पैकिंग कैसे करना है जी, उनकी आपने लाइफ कैसे बढ़ानी है वो सारी आपको जानकारी, लेबलिंग कैसे करनी है उसकी, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है और लाइसेंस कैसे लेना है जी, तो वो सब आपको जानकारी मिलेगी प्रशिक्षण के द्वारा ही। तो एक बार वहाँ जाके संपर्क करें तो आपका अच्छा आपका प्रशिक्षण हो जाएगा, तब तो आप ये काम शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन साथ ही डॉक्टर तो जो हमारे जो किसान भाई हैं उनके जहन में शायद ये आता है कि प्रशिक्षण लेने पहले वो जाएंगे, उसके बाद शायद उतने बड़े पैमाने पर वो ना कर पाएं, लेकिन अगर उन्हें अपने ही उपयोग के लिए चाहिए तो क्या ये हमारे जो किसान हैं वो सक्षम हो सकते हैं कि घर में अगर उसका वो चाहें तो उत्पाद तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पर उसके लिए भी प्रशिक्षण ले लेंगे वो, तो कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण जो दिया जाता है वो दिया जाता है कि व्यावसायिक स्तर पर शुरू करें, पर अगर आप व्यावसायिक स्तर पर नहीं घर के लिए ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो घर के स्तर के आपने वहाँ पर प्रशिक्षण, अगर एक बार आपको प्रशिक्षण तो लेना ही पड़ेगा ताकि आप उससे घर के लिए बना लें, और अगर आप चाहें तो उसका जब आपका हाथ अच्छा हो जाए बनाते बनाते आप सक्षम हो जाए कि नहीं अब मैं अच्छा बना सकता हूं या बना सकती हूं, तो आप उसके बाद उसको फिर मार्केट के लिए भी ले जा सकते हैं, तो दोनों काम उससे हो सकते हैं, पर प्रशिक्षण आपको लेना अवश्य पड़ेगा जी। बिल्कुल, देखिए प्रशिक्षण जो है वो बेहद ज़रूरी है, अगर हमारे जो किसान भाई हैं वो प्रसंस्करण क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं या बागवानी की भी अगर हम बात करते हैं, जैसे कि डॉक्टर मीना आपने लगातार बताया कि जो प्रशिक्षण की भी सुविधा है कई योजनाओं के तहत, और इसका जो फ़ायदा है हम मान सकते हैं सीधा हमारे किसानों को मिलता है, और ख़ासतौर से जो हमारी सरकार का भी लक्ष्य है किसानों के लिए जो उनकी आमदनी है साल 2022 तक दोगुनी की जा सके, उसमें काफ़ी लाभकारी साबित हो रही है हमारी बागवानी योजनाएं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, आपने ठीक कहा कि डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022 जी, उसमें बागवानी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, जो हम प्रसंस्करण की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उत्पादन लेने के बावजूद भी हमारे किसान भाइयों को प्रॉपर मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं होने से वो दाम नहीं मिल पाते जी, या काफ़ी पोर्शन हमारा जो उत्पाद है उसका सड़ गल जाता है, वेस्ट हो जाता है, उस सबको अगर हम बचा लें जी, तो निश्चित तौर पर ये भी एक बहुत बड़ा एक कदम है जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सकती है। क्यों, किसान क्या करता है, ताकत लगा के ज़्यादा से ज़्यादा काम करके अपना उत्पादन बढ़ा लेगा, प्रोडक्शन बढ़ा लेगा जी, लेकिन मार्केट में उसको बराबर दाम नहीं मिले तो फिर डबल इनकम होने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बिल्कुल, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए, जो प्रोसेसिंग करके उत्पाद बना रहे हैं उसकी बराबर ब्रांडिंग
और लेबलिंग पैकेजिंग अट्रैक्टिव, जिससे मार्केट में मिल जाए, बिक जाए अच्छे से और उनकी डिमांड बढ़ जाए। और जैसे डॉक्टर ऋतु ने कहा, उनके जो FPO वगैरह से लाइसेंसिंग वगैरह प्रॉपर, तभी वो कॉमर्शियल स्टेज पे इसको ले जा सकते हैं। सरकार हर काम के लिए प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता योजनाओं के तहत दे रही है जी। इसके अलावा डबलिंग फार्मर्स इनकम में आप दूसरे जो एलाइड वो हैं कार्यक्रम कृषि के, जैसे बी कीपिंग है, मशरूम की खेती है जी। ये चीजें भी आप करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण कदम है, आप इनपुट की जो कॉस्ट है उसको कम करें जी। तो सरकार ने जैसे एक अभियान के तौर पर चलाया हुआ है सॉयल हेल्थ कार्ड बनवाने का जी। वो इसलिए बनाया है कि अनावश्यक रूप से आप रासायनिक या दूसरी जो खादें हैं उनको खेत में नहीं डालें। आपको अपनी मिट्टी की ताकत, उसकी क्षमता पता हो, और जो फसल विशेष लगा रहे हैं उसकी आवश्यकता के हिसाब से आप फर्टिलाइजर्स का उपयोग करें, तो निश्चित तौर पर आपका जो खर्चा है जी इनपुट पर वो कम होगा। और उत्तम गुणवत्ता के बढ़िया सर्टिफाइड बीज आप लगाएं जी। या बगीचा लगा रहे हैं 25 30 40 साल तक बगीचा चलता है, कभी भूल नहीं करें, आप लापरवाही नहीं करें। उन्नत जाति के ग्राफ्टेड जो पौधे हैं किसी विश्वसनीय पौधशाला से लेके जी बराबर दूरी पर जो उनके लिए चाहिए उस उतनी दूरी पर वैज्ञानिक तरीके से लगाएं, उससे उनके किसानों के जो बीच में जो भी ऑपरेशंस निराई गुड़ाई कटाई छटाई वो बहुत अच्छे से कर सकेंगे जी। और फल और पौधों का जो विकास है जी वो भी बहुत अच्छे से होगा। तो गुणवत्ता का उत्पाद लेने के लिए ये छोटे छोटे टिप्स हैं, इनको अगर ध्यान में रखते हैं और प्रॉपर स्टेज पर उसकी हार्वेस्टिंग यानी कटाई करके, जो कई बार क्या होता है बिल्कुल रेडी होने पर किसान भाई उसकी तुड़ाई करते हैं तो मार्केट मंडी यानी पहुंचते पहुंचते भी काफी आपका फल सब्जियां वो खराब हो जाती है। इस बात से तो डॉक्टर ऋतु आप भी सहमत होंगी, क्योंकि जैसा आपने कहा कि अगर आप दूसरे देशों की तुलना में हम बात करते हैं तो हमारा उत्पादन तो हम देखते हैं कि अच्छा है, सब्जी की अगर बात करें, फलों की हम बात करें, लेकिन उसके साथ ही दूसरी तरफ जो नष्ट हो जाता है, जो उपयोग में नहीं आता, उसका भी प्रतिशत काफी ज्यादा है। उसके लिए बेहतर विकल्प हम मान सकते हैं खाद्य प्रसंस्करण के लिए। अगर जैसे बात करें कटाई के बाद जो आपका नुकसान हो जाता है तुड़ाई के बाद खासकर, क्योंकि एक बार ये होता है कि तुड़ाई कर ली तो वहीं पे अगर किसान अपने खेत पे ही अगर छटाई कर लेगा, अच्छे गुणवत्ता वाले जो उत्पाद हैं उनको एक जगह कर लेगा और जो बाकी जो अलग साइज के, मतलब कहेंगे हम ग्रेडिंग कर लेगा, तो उसको दाम जो उनका मिल जाएगा, बाकी जो छोटे बच्चे उनका प्रसंस्करण में इस्तेमाल कर लेगा तो उसको मुनाफा अच्छा होगा। एक तो ये ध्यान रखें, मतलब खेत पर ही आप अपनी छटाई कर ले। जैसे फूल गोभी है, फूल गोभी आप साबुत ना ले जाके आप उसके पत्ते और डंठल हटा लीजिए, क्योंकि ग्राहक को सिर्फ फूल गोभी फूल चाहिए उसका, उसके पत्ते और डंठल नहीं चाहिए। तो डंठल और पत्तों को आप अपने पशुओं के लिए, अपने खाद बनाने के लिए उसमें इस्तेमाल कर लें। और उससे हमें यह होगा कि हमारी जो हम जो खाद जो अपना यूरिया ज़्यादा इस्तेमाल कर, हमें कम इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें जैविक खाद मिल जाएगी। दूसरा, हमारे पशुओं को अपना एक अपना जो हरा चारा है वो ज़्यादा मिल जाएगा, तो आपका वो खर्चा कम होगा। फिर ग्राहक को जो आपको जो फूल का दाम है, आपको जो मंडी में लेके जाएंगे तो उसका दाम आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर आप पत्ते के साथ लेके जाएंगे तो उसका दाम आपको कम मिलेगा। तो ऐसे ही अगर हम खेत, ये क्योंकि प्रसंस्करण हम कहते हैं कि आपका वहाँ बना के उत्पाद बना के शुरू नहीं होता, प्रसंस्करण आपका शुरू हो जाता है खेत से ही, तुड़ाई के बाद ही। बिल्कुल। तो ये छोटे छोटे स्तर पे अगर अगर हम करें ऐसे तो हमें काफी अच्छा फायदा हो सकता है, हमारे किसानों को बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। बिल्कुल, यानी ना सिर्फ बाजार बल्कि खेत से बाजार तक। बिल्कुल, पूरा हमें देखिए जो पूरा श्रृंखला है इसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन साथ ही डॉक्टर मीना, अगर हम बागवानी की बात करते हैं, आपने सॉयल हेल्थ कार्ड का जिक्र किया था जिसके लिए अब हम देखते हैं कि जो किसान है उनके पास तक अलग अलग जरिए के द्वारा जो किट है मिट्टी को जांचने की वो पहुंचती है, लेकिन क्या बागवानी योजनाओं के तहत जो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं या कृषि वैज्ञानिक हैं वो हमारे किसानों की फसल को देखने भी पहुंचते हैं, जिनका लाभ जो है वो हमारे किसान भाई ले रहे हैं, जिनको वित्तीय सहायता मिलती है, कैसी उनकी फसल हो रही है? जी हाँ बिल्कुल, और खासकर जो सरकार की योजनाओं के तहत जो भी बगीचे लगाते हैं, ग्रीन हाउस पॉली हाउस लगाते हैं, उनमें तो नियमित रूप से विजिट रहता ही है हमारे जो फील्ड वर्कर्स हैं जी। इसके अलावा भी समय समय पर सर्वे भी करते हैं, देखते हैं कहाँ पर कितना वो बागवानी की फसलें लगी हुई हैं, चाहे सब्जियां हैं, फूल हैं, और समय समय पर उनको एडवाइजरी सलाह कि क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए। ये बागवानी विभाग का काम ही यही है, खासकर जो राज्यों के बागवानी विभाग के लोग हैं जी, उसमें सुपरवाइजर से लेके जिला कृषि अधिकारी, बागवानी अधिकारी, ये सब होते हैं। और हमारी आत्मा योजना के तहत भी विशेषज्ञ समय समय पर पूरे जिले का, ब्लॉक का, गांव का वो प्रशिक्षण भी देते हैं उनको जी। और विजिट भी करते हैं,
और हमने तो एक और सर्कुलर इशू किया था हमारे जो सहकारिता एवं किसान कल्याण सचिव जी। और DGICR ने, जिससे कृषि वैज्ञानिक, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र के हों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान है वहाँ के, राज्य सरकार के जी, ये तीनों मिलके महीने में कम से कम एक दो विजिट जिस जिले में वो काम कर रहे हैं वहाँ पर किसानों के यहाँ कर रहे हैं, ज्वाइंट विजिट। बिल्कुल, कोई भी समस्या हो किसानों की तो उसका निदान वहाँ हो जाए, तो इस तरीके की व्यवस्था है। काफी अच्छा, देखिए जागरूकता के लिहाज से भी और जो हमारे किसान है उन्हें तकनीक की जानकारी हो उसके लिहाज से भी काफी एक बेहतर प्रयास सरकार का जो फलीभूत होता हमें नजर आ रहा है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ से, तेजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो गन्ने के रस के बारे में आप जानना चाह रहे हैं कैसे उसका जो प्रसंस्करण है वो किया जा सकता है? चलिए तेजेंद्र जी, इनका जो सवाल हमारे पास आया है गन्ने के रस के बारे में जानना चाह रहे हैं कि उस क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं कैसे प्रसंस्करण के जरिए वहाँ ये ज़्यादा लाभ ले सकते हैं? गन्ने के रस से तो गुड़ हम बना सकते हैं और उसी गन्ने के रस से हम सिरका जैसे जो बनाया जाता है वो बना सकते हैं। और अगर बात करें गन्ने के रस को प्रसंस्कृत करने के लिए तो उसकी भी तकनीकी है कि अगर आप जैसे नारियल पानी आजकल सीधा खोल के पीने वाला आ गया तो ऐसे ही गन्ने का रस भी किया जा सकता है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का गन्ना अनुसंधान केंद्र भी है लखनऊ में, बिल्कुल, जो कि इन पे काफ़ी काम कर रहा है और बहुत अच्छे, खासकर उसके प्रसंस्करण क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। और मैं कहूँगी अगर वहाँ से भी आप सलाह ले लेंगे तो और जानकारी, क्योंकि वो लोग प्रशिक्षण भी देते हैं इसमें गन्ने के क्षेत्र में, क्योंकि तो ज़्यादा अच्छा आपको जानकारी वहाँ से मिल जाएगी जी। और वहाँ संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो कृषि विज्ञान केंद्र तो है ही, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए ना सिर्फ कृषि विज्ञान केंद्र बल्कि कृषि विश्वविद्यालय जो हैं उसके साथ साथ हमारा कृषि मंत्रालय भरपूर कोशिशें की जा रही हैं जो हमारे किसान हैं, ना सिर्फ उनको वित्तीय सहायता की अगर बात की जाती है, आर्थिक मदद की हम बात करते हैं या जानकारी की भी अगर बात की जाए तो हर स्तर पर उन्हें जानकारी दी जाए, जागरूक किया जाए जिसके तहत उनकी आमदनी जो है साल 2022 तक दोगुनी हो सके। और आज भी हमने यहाँ बात की खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण के साथ साथ बागवानी योजनाओं के बारे में, और हमारे स्टूडियो में जो आज विशेषज्ञ मौजूद रहे उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को दी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो हमारे दर्शक भी ये बेहतर ढंग से जान पाए होंगे कितने विकल्प उनके पास हैं अगर वो चाहते हैं कि आमदनी को बढ़ाया जाए, खाद्य प्रसंस्करण में से एक और बागवानी योजनाओं का भी आप लाभ जो है ले सकते हैं। अब आपको हम कल का विषय भी बता देते हैं, कल किस विषय पर आपको हम जानकारी देंगे, जिससे पहले से अगर आपके जहन में कुछ सवाल है तो आप वो तैयार कर सकते हैं। कल आपको बता दें तिलहन की अगर बात की जाती है इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे, खासतौर से अगर तारामीरा की फसल की बात की जाए, क्योंकि अब ये तमाम फसलें हैं जो हमारे खेतों में भी लगी हुई हैं, किस तरीके से इन फसलों की देखभाल आपको करनी है ये सारी जानकारी जो है वो आपको हम देंगे। यानी खासतौर से तिलहन की जो हमारी फसलें हैं, खास सरसों की अगर हम बात करते हैं, तारामीरा की हम बात करते हैं, ये ऐसी फसल जो अभी लगी हुई है, इसके साथ साथ चारा फसल प्रबंधन इसके बारे में भी हमारे किसानों जो हैं उनको जानना बेहद ज़रूरी, कैसे वो जो चारा फसल है उसका प्रबंधन कर सकते हैं, तो इस बारे में कल आप बेहतर ढंग से जानकारी ले सकेंगे हमारे विशेषज्ञ से। और इसके साथ ही हमारे जो दर्शक हैं अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो एक और विकल्प आपके पास, आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपना सवाल या सुझाव, इसके लिए आप हमारा मेल एड्रेस नोट कर लीजिए, हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com, इस पर आप हमें मेल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और वहाँ भी जाकर आप अपना सवाल या सुझाव टाइप करके हमें भेज सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं हमारे जो किसान कॉल सेंटर का नंबर है हेलो किसान का, ये आप सभी को याद हो चुका होगा, याद नहीं है तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, नंबर है 1800-11-3060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक इस पर अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। लेकिन फिलहाल वक्त चला आपसे विदा लेने का, दीजिए इजाजत, नमस्कार।